everyone, how you all doing? I hope everybody is doing great. So welcome or welcome back to my channel. My name is Nidhi and today in this video I'm going to talk about something really special yet affordable. So let's get started. Before I start with my video, I just want to thank all of you जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, so thank you so much. And जिन्होंने नहीं किया है, कर दो. आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल येट यस अफोर्डेबल है. As I said in my last video कि मेरे चैनल पे आपको जितनी भी वीडियोज मिलेंगी मैं कोशिश यही करूंगी that they will be very pocket friendly and keeping my promise, I'm here with a very very affordable hair mask. आप लोगों ने banana fruit तो जरूर खाया होगा, right? Banana smoothie भी पिया होगा, but क्या आपने कभी banana hair mask try किया है? नहीं? कोई बात नहीं, इस video के बाद जरूर करोगे. So banana एक ऐसा fruit है which I think is very 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 accessible because ये हर जगह हर season में मिल जाता है बहुत इजीली. तो इस हेयर मास्क को बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली. वी ऑल नो द बेनिफिट्स ऑफ बनाना व्हेन इट कम्स टू डाइट, बट डू यू नो दैट इट इज इक्वली अ वेरी बेनिफिशियल फ्रूट फॉर योर हेयर टू. आई मीन इट हैज ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस दैट कैन हेल्प टू बिल्ड योर हेयर स्ट्रांग एंड हेल्दी. अ बनाना हेयर मास्क कैन हेल्प यू टू ट्रीट योर डल फ्रिजी हेयर एंड मेक इट शाइनी ऑल ओवर अगेन बिकॉज ऑफ हाई सिल्विया कंटेंट इन इट. Cilsia is such a product which is very much used in a lot of hair care products such as serum and hair conditioner. ये ना सिर्फ आपके बालों में एक shine add करता है बल्कि ये आपके बालों को काफी ज्यादा voluminous and yet soft बनाता है. And जब हम bananas को directly अपने बालों पर apply करते हैं तो we are skipping the middleman and we are infusing it in its pure gloss and saying goodbye to frizz. As I said, banana is a special fruit and इसके regular application से हमारे बालों का texture भी improve होता है. Plus ये हमारे बालों में से itchy scalp या फिर dandruff जैसी problems को भी बहुत जल्दी दूर करता है. अगर आपके बालों में shine की कमी है या आपको ज़्यादा split ends हो रहे हैं तो I will suggest you कि आप ये mask ज़रूर try करें. This will help you a lot to treat those. तो ये तो सारी बातें हो गई कि बनाना क्या है, कितना यूजफुल है एंड हमें उसे क्यों अप्लाई करना चाहिए. तो अब बात करते हैं कि ये मास्क बनता कैसे है. इस हेयर मास्क को बनाने के लिए मैं बहुत ही पके हुए बनानास ले रही हूँ जो थोड़े ब्लैक हो गए हैं. मैंने दो लिए हैं बिकॉज मेरे हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग मुझे दो लग जाएगा. फिर हमें कर्ड चाहिए. नेक्स्ट वी नीड हनी, ऑलिव ऑयल. अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह पे कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग इन सारे इंग्रेडिएंट्स का करेक्ट पोर्शन ले लें. हमें ये पूरा मिक्सचर अच्छे से ब्लेंड कर लेना है. इफ़ यू वांट यू कैन मैश इट टू. मैं यहाँ ब्लेंड कर रही हूँ सो दैट लेटर मेरे बाल में कोई रेसिड्यू ना रहे. मैं एक एग ऐड कर रही हूँ. आप चाहे तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं. मैं जब भी ये हेयर मास्क अप्लाई करती हूँ आई प्रेफर ऑयलिंग माई हेयर्स एक दिन पहले. सो यहाँ मैं अपने बालों को ऑयल कर रही हूँ सो दैट मैं नेक्स्ट डे अपने बालों में मास्क अप्लाई कर सकूँ. इस मिक्सचर को लगाना बहुत ही इजी है. आपको सिंपली अपने हेयर्स में फिंगर्स की हेल्प से पार्टीशन कर लेना है. आफ्टर मेकिंग पार्टीशन आप एक ब्रश की हेल्प से अपने बालों में ये मिक्सचर को इजीली अप्लाई कर सकते हैं. मेक श्योर कि आप स्कैल्प में इसे काफ़ी अच्छे से लगा रहे हो. अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप फिंगर्स यूज़ कर सकते हैं. मैं पर्सनली फिंगर से अप्लाई करना प्रेफर करती हूँ बिकॉज वो काफ़ी इजी होता है एंड इसे वैसे भी आपको इवेंचुअली अपने पूरे बाल में लगाना ही है तो आपके हाथ तो गंदे होंगे ही तो पहले ही कर लो. आपको ये मास्क पूरी तरीके से अपने बालों के लेंथ के साथ साथ एंड्स में भी लगाना है. सो डोंट फॉरगेट दैट एंड्स क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. लेटर आप इसे एक बन बना सकते हो.
सो दैट वो ईजी स्टे रहेगा. एंड येस, टू अवॉइड सच ड्रिपिंग सिचुएशंस आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू. आप एक शार कैप यूज़ कर सकते हो, जस्ट इन केस अगर आपके पास शार कैप नहीं है तो आई हैव अ हैक फॉर यू, डोंट वरी. आप कोई भी एक पॉलीथिन बैग कुछ इस तरह की अपने पास घर पे मिल जाएगी, उसे यूज़ करके अपने बालों को कवर कर सकते हो. इससे आपके बालों में ड्रिपिंग नहीं होगी एंड या ये एक शार कैप जैसा काम ही करेगा. आई प्रेफर यूजिंग दिस सो दैट मैं ड्रिपिंग अवॉइड कर सकूँ. मैं इस मास्क को मैक्सिमम 30-40 मिनट्स अपने बालों पे रखती हूँ एंड आफ्टरवर्ड्स किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेती हूँ. आई प्रेफर नॉट यूजिंग कंडीशनर्स जब मैं ये मास्क अप्लाई करती हूँ बिकॉज इट ऑलरेडी कंडीशन्स माई हेयर. एंड येस, डोंट कोम योर वेट हेयर एज इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ ब्रेकेज एंड स्प्लिट एंड, सो यूज़ योर फिंगर्स इंस्टेड. आप अपने फिंगर से कुछ इस तरह ब्रेकेज हटा सकते हैं. एज यू कैन सी अभी से काफ़ी ज़्यादा टैंगल फ्री है बिकॉज ऑफ द मास्क. एंड येस, लुक एट दिस शाइन, ये काफ़ी शाइनी भी है. आप इस मास्क को मंथ में एक या दो बार अप्लाई कर सकते हो एंड इसके रेगुलर यूसेज से आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड फ्रिज फ्री हो जाएंगे, एज यू कैन सी माइन. They are very soft and manageable. I can literally run my fingers through it. So, इस मास्क में we have added olive oil too, जो कि again एक बहुत ही helpful ingredient है for your hair. ऑलिव ऑयल से हमारे बालों में एक एक्स्ट्रा शाइन और सॉफ्टनेस ऐड होती है बिकॉज इट हैज़ एलिमेंट्स लाइक पैल्मेटिक एसिड, ओलिक एसिड एंड स्क्वेलेंस इन इट. ये ना तो सिर्फ एक ग्रेट सॉफ्टनर है बट इट ऑल्सो लॉक्स द मॉइस्चर इन आर हेयर ओनली. दही हमारे बालों को रिक्वायर्ड प्रोटीन देता है प्लस इट हाइड्रेट्स आवर स्कैल्प एंड यस इट ऑल्सो एड्स द शाइन फैक्टर इन इट. Has emollient and humectant properties. It instantly fixes our dull and frizzy hair and adds a new shine into it. हनी ना सिर्फ हमारे बालों में शाइन लाता है बल्कि वो हमारे बालों में इस शाइन को काफी लंबे समय तक लॉक भी करता है. मैंने इस हेयर मास्क में एग भी ऐड किया है बिकॉज एग हैज ग्रेट विटामिन्स लाइक विटामिन ए, ई एंड फोलेट जो कि हमारे बालों को स्ट्रेंथन करता है प्लस हमारे बालों को लंबा करने में भी काफी हेल्पफुल है. मुझे पर्सनली एग्स अपने बालों पे अप्लाई करना बहुत पसंद है एज इट गिव्स मी अ ग्रेट स्मूथनेस आफ्टरवर्ड. सो मैंने एग्स ऐड किया है. अगेन आई एम सेइंग इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल, यू कैन ऐड इट और स्किप इट. तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो. मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो एज नाउ यू नो कि आपको किस टाइप की वीडियोस मिलेंगी एंड वो काफी ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली भी होंगी. इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, सबको शेयर करो. तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आप अगर ये हेयर मास्क ट्राई करेंगे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियोस लेके आपके साथ आती रहूं तो प्लीज वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा. सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर. बाय बाय. लेट्स फ्लाई.